चलो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स की। और हमारी फर्स्ट क्लास है, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसकी वेटेज है 2 से लेके 6 मार्क्स की। इस पूरे चैप्टर में पहले आप ये समझो कि सर हमें किस तरह से क्लासेस लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स बहुत हैं। प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स वो करते जाते हैं और कॉन्सेप्ट्स नियर अबाउट 10 कॉन्सेप्ट्स हैं। और फिर पेपर में जब क्वेश्चन आता है तब वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट मिक्स आता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इन कॉन्सेप्ट्स को मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, और मैं ऑलरेडी सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने क्या बना रखे हैं वीडियोस, क्योंकि बार बार बच्चा कॉन्सेप्ट भूल जाता है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स अपनी लाइव क्लास में भी पढ़ाया करूंगा जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ, और फिर भी अगर बच्चा भूल जाता है तो मैं आपको कुछ वीडियोस भी भेजा करूंगा कॉन्सेप्ट्स की। तो आपने दोनों चीजें करनी है, लाइव क्लास भी लेनी है, वीडियोस भी देखनी है, जिससे हमारा ये वाला चैप्टर एज अर्ली एज पॉसिबल खत्म हो जाए, एज अर्ली एज पॉसिबल हम इसे फिनिश करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी लाइव क्लास के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्या डिस्कशन करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जिससे आप सब बच्चों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो बेटा वीडियोस को स्किप नहीं करना, मैं आपको डेली एक दो वीडियोस भेजूंगा और वो वीडियोस आपने देखनी है। अब हम चलते हैं इसके अंदर आगे और क्या क्या है। सर आप कह रहे हो कि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने कहा यस, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। जैसे पहला कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बेटा मैं सारे कॉन्सेप्ट्स अभी लिख नहीं रहा आपको, पहला कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और आपको बता दूं पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पक्का आएगा 1 मार्कर, कंफर्म है, ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट निकालना। अब आप सबको पता है सर ड्राइंग्स क्या होती हैं। ड्राइंग्स का मतलब होता है सर, अगर आप बिजनेस में से कैश या कोई भी असेट, यानी इन काइंड, बिजनेस की कैश या बिजनेस से कोई भी असेट इन काइंड, अगर आप इसको अपने घर ले जाते हो, घर का मतलब होता है पर्सनल यूज, यानी बिजनेस की चीज आप कहाँ ले गए, अपने घर ले गए, तो उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ता है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है फर्म को। और फर्म को पे करते हो, इसके लिए फर्म के लिए क्या बन जाती है, फर्म के लिए क्या बन जाती है, इनकम। तो जितना भी पैसा आप निकालोगे अपने पर्सनल यूज के लिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे फर्म को, और फर्म के लिए क्या बन जाएगी, वो इनकम बन जाएगी। मैंने एक छोटा सा पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया। अब क्वेश्चन ये है सर, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हमारे साथ ऑलमोस्ट, हाँ जी, हमारे साथ ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं क्लास के अंदर। मैं पहले आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ कि सर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, और फिर हम इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आज ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मेरे साथ एक बार जरा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सब बच्चों के साथ। कहाँ गया स्क्रीन शेयर, एक मिनट, या मैं ऐसा करता हूँ जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ। बेटे मेरे पास अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग बुक्स से हम क्वेश्चंस किया करेंगे। ये इस टाइम मेरे पास डीके गोयल सर की बुक है, मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा इसका। जो जो क्वेश्चन मुझे जहां जहां से लगेंगे सर थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, टेक्निकल हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस किया करूंगा। इसमें देखते हैं जरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के ऊपर एक क्वेश्चन था।
कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन बेटा, मैं क्वेश्चन जरा लिख देता हूँ आपके सामने, जिससे इजी रहेगा आपको समझने का। आ जाओ जरा क्वेश्चन एक बार देखते हैं सर क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं एक पार्टनर है ए, और उसकी आपको ड्राइंग्स दे रखी हैं, यानी इसकी ड्राइंग्स दे रखी हैं, और ये फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर जो हमारा एंड हुआ है वो हुआ है 31 मार्च 2016। बहुत ध्यान से आपने समझना है क्वेश्चन, सिंपल कॉन्सेप्ट है, 1 मार्क पक्के हो जाएंगे आपके इंटरेस्ट के। 31 मार्च यानी सर ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2015, यहाँ पे स्टार्ट हुआ होगा। अब उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसकी ड्राइंग्स बता रखी हैं आपको कि इस पार्टनर ने कहाँ कहाँ ड्राइंग्स करी हैं। जैसे क्वेश्चन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन आएगा आपके सामने, ये है क्वेश्चन, और मैं इसको थोड़ा सा एक बार जूम इन कर देता हूँ। ये डीके गोयल सर की बुक है, यहाँ लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनकी रेशियो है 3:2। आगे लिखा है देयर ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स दे रखे हैं आपको ए की। पहले हम ए की ड्राइंग्स की बात करते हैं, ध्यान से अगर थोड़ा थोड़ा सा विजिबल हो तो आप देख सकते हो। पहली ड्राइंग है 1 मई को, फिर है 30 नवंबर, फिर है 31 जनवरी, और नीचे लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। मैं इन बातों को लिख देता हूँ, ये क्या लिखा है आज कह रहे हैं फर्स्ट ड्राइंग है यहाँ पे, क्या डेट है 1 मई। इस दिन आपने 6,000 रुपीज विड्रॉ करा है, फिर करा है 30 नवंबर को, आप अपने घर लेके जा रहे हो ड्राइंग 6,000 रुपए, क्या लेके जा रहे हो कैश, बिजनेस से कैश अपने घर ले गए। फिर 30 नवंबर यहाँ पे डेट डाल देते हैं 30 नवंबर, इस दिन आप दोबारा अपने घर कितना पैसा ले जा रहे हो 8,000 रुपए, और फिर ले जा रहे हो यहाँ पे डेट है 31 जनवरी, 31 जनवरी को आप 7,000 रुपए अपने घर ले जा रहे हैं, और उन्होंने बताया है कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो है 15% पर एनम। ये है आपके सामने क्वेश्चन। बेटा आप सब बच्चे जरा मुझे एक बार ये बता दो, थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, हमारे पास टोटल ड्राइंग्स कितनी हैं? मुझे पता लग जाएगा कि आप सब बच्चे मेरे साथ साथ समझ रहे हो, मैं तो सिर्फ ड्राइंग्स पूछ रहा हूँ आपसे। ज्योति का आंसर आया बेटा, फटाफट ये बताओ सारे बच्चे हमारे पास ड्राइंग्स कितनी हैं? टोटल ड्राइंग्स, जसपाल सिंह कह रहा है 3। बेटा अमाउंट बताना है जसपाल, नंबर नहीं बताने, अमाउंट बताना है कितने की ड्राइंग्स है हमारे पास। तो तीनों को अगर हमने प्लस किया, बीना का आंसर आ गया है, जसपाल सिंह और भी कुछ बच्चों ने बताया 6,000, 8,000 और 7,000, तो ये आ गया टोटल ड्राइंग हो गई 21,000। इतना पैसा आप, हाँ राहुल ने भी, रिचा ने, सब बच्चों ने आंसर दिया है 15%। अब आपने क्या निकालना है, इंटरेस्ट। अब बहुत ध्यान से सुनना, आज एक नंबर तो पक्का हो ही जाएगा आज की क्लास में। बेटा जिस दिन पैसे निकाले जाते हैं, बस उस दिन से आपने कैलकुलेट करना है आखिरी दिन तक। बेटा आखिरी दिन है 31 मार्च, बस यहां से लेके यहां तक मंथ्स काउंट करने हैं। ये 1 मई है, मई से अब काउंट करना स्टार्ट करते हैं। एक तो मई पूरा आएगा बिकॉज 1 मई है, मई के बाद आता है मई, जून, जुलाई,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बेटा 11 महीने, 11 महीने का आप इंटरेस्ट दोगे। अब इस पे आ जाओ, ये ड्राइंग कब है? 30 नवंबर। अब यहां से लेके आखिरी दिन तक देखो कितने मंथ्स हैं, 30 नवंबर से लेके, अब 30 नवंबर है, इट मींस नवंबर तो खत्म। नवंबर के बाद क्या आता है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। वेरी गुड बेटा, बच्चे कह रहे हैं 7 मंथ्स। नवंबर के बाद आता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने होते हैं। हाँ वेरी गुड। लास्ट है 31 जनवरी। बेटा यहां से लेके यहां तक कितने मंथ्स हुए, आप बच्चे बताएंगे कितने मंथ्स हो गए? रिचा, लवली, बीना, ज्योति। बेटा ज्योति कह रही है 3 मंथ्स। बेटा 31 जनवरी है, जनवरी तो खत्म हो गई। जसपाल सिंह 2 मंथ्स। जनवरी के बाद फरवरी और मार्च, जनवरी खत्म हो चुकी है, 2 महीने। बस इतने इतने महीने का इंटरेस्ट निकालना है। जैसे मैं आपको एक निकाल के दिखाता हूँ, बहुत आसान टॉपिक है ये, बस लॉजिक समझ आना चाहिए सर कैसे निकालना है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? इंटरेस्ट। देखो जरा ध्यान से, आराम से समझेंगे सर। इंटरेस्ट हमने ड्राइंग करी 6,000, 6,000। बेटा इंटरेस्ट का रेट कितना था? इंटरेस्ट था 15% पर एनम, 15% पर एनम, मगर कितने महीने का? 11 महीने का। ये लो 11/12, ये आ गया इंटरेस्ट। अब इस पे भी निकालना है, तो मैंने क्या करा, प्लस। बेटा इंटरेस्ट निकाल चुके हो आप 6,000 पे, अब मैं इस पे निकालने जा रहा हूं 8,000 पे। कितने मंथ्स का है? लो खुशी ने निकाल भी दिया आंसर। बेटा कितने परसेंट है? सबसे आसान टॉपिक है ये वाला, 15%। चैप्टर आसान है, मगर मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट्स थोड़े से ज्यादा हैं। चैप्टर तो आसान है बहुत, 15%। अब कितने महीने के लिए? ये कितने महीने थे? 4 मंथ्स, 4/12। सर एक और ड्राइंग है, उस पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा। यस, तो मैंने लिखा प्लस। अब मैं निकालने जा रहा हूं 7,000। 7,000 पे 15%, मगर कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। तो ये आ गया 2/12। बस दोस्तों ये आ गया आपका इंटरेस्ट। हाँ जी बेटा, जरा फटाफट कैलकुलेट करें। एक बच्चा कह रहा है 790 आ रहा है। बेटा आप सब बच्चे चेक करें, क्या 790 आ रहा है? हाँ जल्दी जल्दी करेंगे, क्या 790 आ रहा है इसका टोटल? रिचा कह रही है नहीं सर, 1275 आ रहा है। अच्छा और बेटा, और कोई बच्चा, किसी और बच्चे का कोई आंसर? बेटा कैलकुलेशन तो अब आपने करनी है। हाँ समझे जरा ध्यान से, कैलकुलेशन पार्ट आपका, जल्दी जल्दी बताएं और मैं ये देखता हूं इसमें। हाँ जी ये लो फिर बेटा, जिन बच्चों के पास मैथ्स है उस वो बात को जरा समझे। सब बच्चे अलग अलग आंसर बता रहे हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में सब बच्चों का आंसर अलग अलग आ रहा है। देखो बेटा इन सब में एक तो तरीका है कि आप कैलकुलेट करो और आंसर आ जाए। एक और तरीका है, देखना मेरी बात ध्यान से, मैं मैथ्स कर रहा हूं, इन सब में ध्यान से देखना, मैथ्स का रोल लेके आ रहा हूं जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। सर इन सब में 15% कॉमन है। बेटा 15% कॉमन है, तो मैंने क्या करा, 15/100 ले आया बाहर, और देखते हैं और क्या कॉमन है। सर इन सब में ये देखो 12 भी कॉमन है, मगर नीचे आ रहा है। मैं सिर्फ मैथ सिखा रहा हूं अब आपको, अकाउंट्स की बातें नहीं कर रहा। सब में 12 कॉमन है, यानी 12 नीचे है, ये भी कॉमन है, ये भी मैं बाहर ले आया। अब सर अंदर क्या बचा? बेटा अंदर क्या बचा, 6,000 और 11।
सिक्स लेवेंजा कितना होता है जल्दी बताओ। सिक्स लेवेंजा होता है 66,000 प्लस 8 फोरजा, 8 फोरजा होता है कितना होता है 32,000। और बताओ 7 टूजा कितना होता है, 7 टूजा होता है 14,000। खत्म हो गई बात, बस अब फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब मैं जरा कैलकुलेटर ले आता हूँ, हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मैंने आपको मैथ्स करना भी सिखा दिया और ये हमारे सामने कैलकुलेटर आ गया 66,000। जसपाल कह रहा है 650 आएगा सर। 66,000 प्लस 32,000 1,12,000, ये आ रहा है टोटल 1,12,000। इसका 15% और डिवाइड बाय 12, बेटा ये आंसर आ रहा है 1,400। अब आप सब बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है, मेरा आ रहा है 1,400। बेटा एक बार कैलकुलेशन दोबारा से चेक कर लेना, कहीं मिस्टेक नहीं हुई हो, ठीक है। तो हमारा आईओडी फाइनली इंटरेस्ट कितना आ गया 1,400। आप बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हमारा भी 1,400 ही आ रहा था, मगर हमने बताया नहीं आपको। हाँ तो ये एक तरह का क्वेश्चन बच्चों इंटरेस्ट निकालने का, डीके गोयल सर की बुक का क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा मुश्किल था। हाँ तो बेटा ध्यान रखना है आपने, मैं डीके गोयल सर की बुक से इसलिए कराता हूँ जिससे टीएस ग्रेवाल सर की बुक के ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो जाए, तो साथ साथ हमारी दोनों बुक्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मगर इस क्वेश्चन में अगर बच्चों ने ध्यान से देखा हो तो सर एक बी भी था बेटा, एक पार्टनर बी भी था। मैं अब उसके बारे में बात कर रहा हूं, और पहले अब मेरी बात सुनो आप सारे बच्चे ध्यान से। हमारे पास अभी है टोटल 20 स्टूडेंट्स। बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए है, मैं सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा। आप सब बच्चे फटाफट अपनी कॉपी पेन निकालो और मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व करो। 20 के 20 का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट था 15% पर एनम, और क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी थी। ड्राइंग्स का मतलब होता है बिजनेस पर्सनल यूज के लिए आप पैसा घर लेके जा रहे हैं, और फिर इन्होंने यहाँ पे ईयर भी बना दिया। बेटा ये नंबर लाइन आपको जरूर हेल्प करेगी पेपर में, नंबर लाइन ध्यान से। नंबर लाइन कह रही थी 31 मार्च 2016 को हमारा ईयर खत्म है और स्टार्ट है 2015 में। अब मैं आपको बताता हूँ कब कब उसने पैसे निकाले। मैं एक बार बुक देख लेता हूँ अपने सामने। बेटा ये बुक है और बुक में ये है बी। मैं बस फिगर्स लिख देता हूं आपको क्योंकि ज्यादा ये विजिबल नहीं होगा। कह रहे हैं 1 अप्रैल को उसने 5,000 रुपये निकाले, 5,000 रुपये निकाले बेटा 1 अप्रैल को। जल्दी बताओ यहां से लेके यहां तक बेटा कितने मंथ्स हो गए, जल्दी बताओ फटाफट पार्टिसिपेट करो। अब कितने मंथ्स हो गए, कहाँ गए सारे के सारे बच्चे। हाँ इतनी बेटा इतने स्लो चल रहा है, यहां से लेके यहां तक कितने मंथ्स हो गए। हाँ बेटा अभी भी सिर्फ 7 स्टूडेंट्स ने ही आंसर दिया है, बाकी सारे बच्चे सत्संग सुन रहे हैं, कह रहे हैं बोलो राधे राधे। बेटे राधे राधे से बाहर आओ। ये देखो 1 अप्रैल से स्टार्ट करा है बेटा, 12 महीने हुए हैं अप्रैल से। दूसरी ड्राइंग है यहाँ पे, कह रहे हैं दूसरी ड्राइंग की बेटा डेट है 31st of August। इस दिन उसने निकाले हैं 6,000 रुपये, 31 अगस्त को निकाले हैं। बच्चों जल्दी बताओ यहां से लेके यहां तक कितने मंथ्स हो गए। बेटा कैलकुलेट करो, अगस्त खत्म, 8 खत्म, लवली का आंसर आया 8 खत्म। 8 के बाद आता है 9, 10, 11, 12,
हाँ जल्दी बताओ बेटा, आठ खत्म बेटा। पार्टिसिपेट करो जय चावला और आप हर्षित, बेटा आप दोनों बच्चे भी पार्टिसिपेट करो फटाफट। 7 months, गलत ही तो होगा आंसर, और क्या होगा। बस और आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं सर एक ड्राइंग यहाँ पे है, उसकी डेट है 31st of October। इस दिन आपने 4,000 रुपये और निकाल लिए, ड्राइंग ली, जल्दी बताएं कितने मंथ्स हो गए। बेटा यहां से लेके यहां तक कितने मंथ्स हो गए। अक्टूबर के बाद जसपाल सिंह का आंसर आया है, जय का भी आंसर आ गया है, खुशी का आंसर आया है, बीना का आंसर, लवली का आंसर। एक बार देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर दिया है। वेरी गुड, चलो बच्चे एकदम समझ आ रहे हैं। अक्टूबर तो सर खत्म हो गया, नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अब सर फरवरी, यहां पे देखो, यहां पे ध्यान से देखना, डेट है फरवरी, बेटा 1 फरवरी को उसने 2,000 रुपये निकाले हैं। 1 फरवरी को निकाले हैं सर, 1 फरवरी से लेके कितने महीने हो गए। हाँ वेरी गुड जसपाल, बीना, तृप्ति कहती है 1 महीना। बेटा फरवरी, 1 फरवरी है, फरवरी पूरा और मार्च भी तो पूरा। बेटा ये गलत हो गया तो सब गलत हो जाएगा, तृप्ति ध्यान देना है आपने। तो सर फरवरी पूरा और मार्च भी पूरा, 2 महीने। और सर लास्ट ड्राइंग बता रहे हैं, आखिरी दिन। बेटा डीके गोयल सर का क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ तो मुश्किल आता है। आखिरी दिन उसने 3,000 रुपये निकाले, बेटा आखिरी दिन। सर अगर आखिरी दिन पैसे निकालेगा तो क्या उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो आंसर इज नो। वेरी गुड बेटा, 0 months का है इंटरेस्ट, 0 months, 31 मार्च को निकाले हैं तो उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, 0 months का। अब मुझे पता है जब ये बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे तो मेरे से पक्का डाउट पूछेंगे, कहेंगे सर ये ओम का क्या मतलब है। बेटा ये ओम नहीं है, ये क्या है, ये है 0 months। बच्चों के डाउट्स बहुत आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये, मुझे ये बताओ आप सारे टोटल ड्राइंग्स, जल्दी बताओ जरा टोटल ड्राइंग्स कितनी आई। बेटा जल्दी टोटल बताएंगे, अभी इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा मैं, टोटल पूछ रहा हूँ। 6, 4, 10 और 5। वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं सर टोटल ड्राइंग है आपकी 20,000। बेटा ये ड्राइंग तो है, इसे कैलकुलेट में कंसिडर करोगे मगर इंटरेस्ट में नहीं करेंगे। अब हम निकालने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप सब बच्चों को बेटा टाइम दे रहा हूँ, आप सब बच्चे सॉल्व करोगे इंटरेस्ट, और बाकी बच्चे मेरे साथ साथ यहाँ इस देखेंगे और आप ट्राई भी करोगे इंटरेस्ट। देखते हैं अब किसका आंसर सही आ रहा है। ये मैंने इंटरेस्ट, हाँ सर पहला, बेटा 5,000 पे 15% का इंटरेस्ट है और 12 महीने का, 12 महीने मतलब 12 by 12। फिर आ गया प्लस, ये लो, फिर आ गया 6,000 पे 15% का इंटरेस्ट और कितने महीने का, 7 महीने का, 7 by 12। फिर आ गया प्लस, जल्दी जल्दी करना है, मैंने तो आराम आराम से कर रहा हूं। 4,000 पे 15% मगर कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 5 by 12। लवली ने आंसर निकाल दिया, वेरी गुड वेरी गुड। तो एक बच्चे का आंसर आया है, और बच्चों से हम चेक करना चाहते हैं। रिचा ने भी, खुशी ने भी आंसर निकाल दिया, वेरी गुड, बहुत फास्ट हो गए दोस्तों के कैलकुलेशन बच्चों के। 15% मगर कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। क्या सर उस पे निकालेंगे, जीरो, उस पे तो सर इंटरेस्ट लगना ही नहीं, लास्ट वाले पे इंटरेस्ट क्या होगा, जीरो।
अब आप इसको सॉल्व करो बेटा, मैथ्स लगाओ, सिंपल कैलकुलेशन करो, जैसे मर्जी करो। अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करते हो तो मैं आपको बता देता हूं एक बारी इसका आंसर कितना आ रहा है। 5,000 का 15%। मैं अब सिंपल कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। पहला है 750, दूसरा देखते हैं जरा। 6,000 का 15% इंटू 7/12, ये आ रहा है 525। बेटा मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, बाकी बच्चों को टाइम मिल जाएगा। 4,000 का 15%, ये आ रहा है 600 इंटू 5/12, 250। प्लस लास्ट वाला 2000 का 15%, 300, और ये आ रहा है 50। तो फाइनली आंसर आ रहा है आपका 525 + 750, ये आ रहा है बेटा, ये करेक्ट आंसर है 1575। और जिन बच्चों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही निकाला है इंटरेस्ट। बेटा इससे आपको दो बातें भी समझ आ गई। पहली चीज, अभी जो मैंने ये सॉल्व किया था इसको बस आपके अकाउंट्स में बोला जाता है सिंपल मेथड। बेटा घबराना नहीं, बुक की लैंग्वेज लिखवा रहा हूं, इसको बोला जाता है सिंपल मेथड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सिंपल मेथड। बेटे जय, 1 ₹5 का गलती होगी, बाकी आपका आंसर सही है। इसे कहा जाता है सिंपल मेथड। बट अभी आप चेक करो, मैं आपको बुकिश लैंग्वेज इसलिए लिखवा रहा हूँ जिससे आप बच्चे जब बुक पढ़ते हो तो आप कंफ्यूज ना हो। ये कौन सा मेथड है? सिंपल मेथड। और सर अभी जो मैंने आपको एक शॉर्टकट से ये कुछ मैथ्स करके दिखाया था, मैंने कुछ चीजें क्या ले ली थी, कॉमन ले ली थी, कुछ चीजें बाहर ले ली थी, फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था। इसको आपके अकाउंट्स वाले बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। बच्चे ऐसे ही घबरा जाते हैं, सर ये कौन सा मेथड है, क्या करना है इसका, ये कौन सा मेथड है? प्रोडक्ट मेथड। बेटा इंटरेस्ट निकालने के तरीके हैं, तीन मेथड्स होते हैं इंटरेस्ट के। तीन मेथड्स में पहला मेथड्स मैं आपको क्या बता रहा हूं, मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। पहला मेथड हो गया सिंपल मेथड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। सेकंड मेथड हो गया प्रोडक्ट मेथड, और ये दो मेथड्स तो मैंने आपको करा दिए। एक मेथड मुझे आपको और कराना है, उसको कहते हैं शॉर्टकट मेथड। बस खत्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक खत्म। सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, लास्ट मेथड कौन सा रह गया है? शॉर्टकट मेथड। तो ऐसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है आपने। और मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, मैं पहले आपको एक बार दिखाता हूं कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे इसके अंदर। एक बार जरा मैं आपके साथ टॉपिक्स, अगर ये स्क्रीन शेयरिंग हो जाती है तो मैं आपको टॉपिक्स दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग का इसमें ऑप्शन पता नहीं कहाँ चला गया। चलो एनीवेज बेटा, वो स्क्रीन नहीं तो मैं आपको दिखाता था इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें हैं। हल्का सा यहाँ पे लिख देता हूं, इसके अंदर आपको बोला जाएगा, देखना क्या क्या बोला जाएगा। कहेंगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ये पूछा जाएगा आपसे। फिर एक और चीज पूछी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट कैसे लिया जाता है। तो आप ये समझो, मैंने अगर आपको ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट निकालना सिखा दिया, बिल्कुल सेम तरीका यहाँ फॉलो करना, ये भी खत्म। बिल्कुल सेम तरीका यहाँ फॉलो करना, ये भी खत्म। एक टॉपिक से आपके तीन तीन टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। बेटा आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे,
उसका रीजन अभी वो स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और ध्यान रखना जो भी आपको वीडियोस सेंड करूं दोस्तों, वीडियोस जरूर देखनी है, अदरवाइज आगे वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।